हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा दीप। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और आज एक और बढ़िया सा वीडियो है, रिव्यू वीडियो है, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत काम का भी है। एक्चुअली अमेजोन से मैंने एक, मेरे पास जैसे कि हम सब के पास मेरे पास के पास खूब सारा मेकअप रहता है, बट समझ में नहीं आता जाने के टाइम, मतलब ट्रैवल करने के टाइम हम अपना मेकअप कैसे सेट करके रखें, कहाँ रखें, ये हमें समझ में नहीं आता। कई बार तो ये होता है ट्रैवल में आई शैडो पैलेट टूट गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, मतलब डैमेजेस हो जाते हैं। सो उन सब डैमेजेस के बचने के लिए हम लोग ऑब्वियसली वैनिटी बॉक्सेस ढूंढते ही रहते हैं। तो कई बार वैनिटी बॉक्स अच्छे मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, बट इतना बड़ा डब्बा लेके कौन अपने साथ में जाए। सो मैंने भी काफ़ी सर्च किया था, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया, आई लेफ्ट इट। सो मेरे छोटे भाई ने मेरा काम कर दिया, तो उससे मैंने एक डब्बा, मतलब एक वैनिटी बॉक्स ऑर्डर किया एक वैनिटी बॉक्स ऑर्डर किया जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया था। कलर तो इतना प्रेटी है ना, मतलब आप लोग देखते ही समझोगे कि ऑर्डर कर लेते हैं, इतना अच्छा बैग कहाँ मिलेगा। सो अमेजोन से उसने ही ढूंढा और उसने मुझे ये भेजा, ये बैग। तो देखो इतना बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा बैग है। ये कि भाई दीदी को बड़ी दिक्कत होगी ट्रैवलिंग में, और मेकअप आर्टिस्ट है दीदी तो सामान कहाँ रखेंगे, तो उसने सोचा इतना कुछ मेरे लिए, थैंक यू सो मच। सो ये है बैग, और ये है बैग, वो तो सबको दिख ही रहा है ऑब्वियसली। सो गाइस, ये मैंने अमेजोन से देखा था, बट मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसा रहेगा, तो उसने मुझे सरप्राइज दिया ये बैग भेज के। सो ये बैग कुछ 999 का था, और ज़्यादा से कम होगा तो 998 का पड़ जाएगा, बट क्या फ़र्क पड़ता है, 950 रुपये कम होंगे। सो उतना है ये बैग, और इसे मैं खोल कर दिखाने वाली हूँ। सामान इसमें मैंने रख दिया ऑलरेडी, एक्चुअली मुझे ज़्यादा ध्यान से दिखाना पड़ेगा। सो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसमें अपना सामान पूरा सजा दिया। सो ऐसा है कि ये जो कंपार्टमेंट्स है, अब मैं निकाल के दिखाऊं क्या यार? हाँ, एक निकाल सकती हूँ। अच्छा, पहले ऐसे देख लो। सो ये देखो, मैंने पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रख दिया, ऐसे सारे फाउंडेशन लिपस्टिक, काजल वाजल, आई शैडो सब इसमें आ गया, बिल्कुल पैक्ड हुआ है। और इसमें जो कंपार्टमेंट है ना, वो निकाल भी सकते हैं। ये देखो, ये ऐसे अभी ये बीच में था ना, निकाल दिया मैंने इसको। ये जो लाइंस बनी है उनको हम फिट कर सकते हैं, ये ऐसे लग गया। तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है मैंने निकाल दिया, ये कुछ इस तरीके से निकल गया, वापस लग सकते हैं। सो अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि अरे हमें और स्पेस चाहिए, तो ये सारे भी निकल जाएंगे, पूरा ब्लैंक हो जाएगा ये बॉक्स। ये जो इसमें कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, ये सारे निकल सकते हैं, और आप इसमें पूरा सामान रख सकते हो। और अगर आपको कंपार्टमेंट चाहिए तो आप इन्हें आराम से बना सकते हो, ठीक है? ये तो हो गया चीज़। हाँ, इसका ये जो साइड का ऊपर का एक दिखा देती हूँ, इसमें मैंने अपने ब्रशेज लगा रखे हैं। सो ये कुछ इस तरीके से, और ये साइड में जिप देखिए, इसके अंदर अगर आपको कुछ रखना है तो बाकी के ब्रश आ जाएंगे। तो यहाँ मेरे ब्रश बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं, नीट एंड क्लीन लगे हुए हैं यहाँ पे, उनको ऐसे धर रखा हुआ है मैंने ताकि इन पर धूल भी नहीं जमेगी। और ये अच्छे से मैंने पूरा पैक कर दिया इस तरीके से, और इससे से पैक कर दिया मैंने। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट कितना सही है ना। और यहाँ अगर आप चाहो तो लॉक भी लगा सकते हो, और काफ़ी छोटा सा सूट के सर। कलर देखो यार, कितना प्यारा है कलर, तो मुझे सीरियसली मैं फ़ैन हो गई। बस ये ध्यान रखना ही गंदा ना हो, तो ऑब्वियसली गंदा तो वैसे होंगे नहीं होंगी। तो ये काफ़ी बढ़िया है, सारा सामान आपका इसमें आ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट सारा ही आ गया। और अगर आप चाहो आधी चीज़ और एडजस्ट कर सकते हो, और कंपार्टमेंट भी रिमूवल है और वापस लगा भी सकते हो, तो इसका लिंक मैं दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लेना, बहुत ही बढ़िया डील है, अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।